हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, सी टैट 2018 में जो परीक्षा आयोजित की गई है 9 दिसंबर को, उसी का पूरा सलूशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों, यह हमारे पास है ओ लेवल सेट, और आपका यदि ओ लेवल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ओ लेवल आपका जो पेपर नहीं है तो आप उसे अपने पेपर से मिलाकर क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही होगा, समता एवं समान अवसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया, तो इसमें आपका आंसर होगा 2016 में यह आयोजित जो है लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, इसमें जो है आपका ऑप्शन 4 होगा, विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम परिविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, तो इसमें आपका ए सही होगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य से है, तो इसमें आपका सही आंसर 1 होगा, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है, इसमें आपका 4 सही होगा, संज्ञान बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा 3 सही, प्रतिक्रियावादी सोच। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 8 में पूछा गया है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, विभेदी अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण को पूर्ववर्ती है, इसमें सही आंसर होगा आपका 1 होगा, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जोजो का यह मानना है कि संज्ञान एवं भाव होते हैं, तो इसमें आपका 4 सही होगा, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, 11 में पूछा गया है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, संशोधन विधि का जो है प्रयोग वह कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 12 में पूछा गया है, मैत्र और जीनस के अनुसार, यहाँ पर देख सकते हैं आप, निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, तो इसमें आपका 4 सही होगा, सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, तो इसमें आपका आंसर ए सही होगा, अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, ड्रिल और अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दर्श्य श्रव्य स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही होगा, कर्ण कोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, इसमें आपका सी सही होगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो इसमें सही आंसर होगा आपका सी, समूह की पहचान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, संवेदी गामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, 12 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि विनय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, सृजनात्मक को की अवधारणा संबंधित माना जाता है, तो इसमें आपका आंसर होगा 2 सही, विविध सोच।
क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, किसी भाषा को स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 25, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा, सामाजिक भाषाई उद्धृत। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना की परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह प्रयोग करता है, इसमें ऑप्शन सही होगा आपका तीन, अंतर्दृष्टि का। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, 27 में पूछा गया है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि ऑप्शन दो सही होगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों का कुछ उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दो सही होगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, इसमें सही ऑप्शन होगा आपका चार, यानी कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के तीन रत्नों में से नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, अहिंसा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन दो सही होगा, विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन दो सही होगा, संसदीय संघीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, तो यहाँ पर 84, यानी कि ऑप्शन चार बिल्कुल सही होगा। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन तीन सही होगा, समानता का अधिकार 14 से 18 और यह अनुच्छेद आता है 17। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें आपका संपत्ति का अधिकार ऑप्शन दो सही होगा, यह मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, तो यहाँ पर जाति ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, और वे नियुक्त किए जाते हैं जो पार्टी चुनकर आती है, जो उसका बहुमत होता है उनके द्वारा, तो यहाँ पर यह ऑप्शन जो है गलत हो सकता है, इसमें कुछ भी कहना गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, तो इसमें आपका राष्ट्रपति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, तो राज्य का पहला नागरिक उसी प्रकार राज्यपाल होगा जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44, वर्तमान लोकसभा 2014 है, तो यह 16वीं लोकसभा है, आपने बार बार जो है न्यूज़पेपरों में भी आप पढ़ते होंगे 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, तो इसमें पूछा गया है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसमें राजनीतिक दलों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, इसमें आपका थर्ड सही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, तो इसमें आपका ऑप्शन दो सही होगा, सी गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो इसमें जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन तीन सही होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, तो इसमें ऑप्शन तीन आपका, मुर्शीद कुली खान।
करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, तो 55 में आपसे पूछा गया है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो इसमें आपका ए सही है, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 56, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवैध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा, तो इसमें आपका जो है थर्ड सही होगा, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 58 को देखें, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी, इसमें आपका ए सही होगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? दोस्तों यह यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन गलत हैं, यह एजुकेशन से संबंधित है और यह क्वेश्चन जो है आपका आयोग द्वारा जो है काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महानस्ती के छंद और विचारों से संरक्षित किया गया है, तो इसमें आपका फोर सही होगा, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किसे कृति है, तो इसमें आपका सही होगा फोर, राष्ट्रकूट। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर, राष्ट्रकूट काल। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था नहीं रखता था, तो इसमें आपका ऑप्शन 3 होगा, आस्था रखता था ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63, वाद दीर्घदर्शी का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर ए सही होगा, वायु की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, तो इसमें आपका दो सही होगा, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 में जो दिया गया है आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें बताना है आपको परत पृथ्वी की, तो इसमें आपका सही होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, तो 66 में आपको चित्र दिए गए हैं और स्थिति को पूछ रहा है कि क्या स्थिति है, तो यहाँ पर होगा लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा, विसर्प बनाती है, इस तरीके की जो आपकी बनती है उसे बोलते हैं विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन जल कपड़े दवाओं के वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, वायु मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, भूगोल की वैसा का जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है कहलाती है, इसमें आपका ए सही होगा, जनसंख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है और अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो इसमें दोनों ही सत्य है, तो इसमें आपका थर्ड सही होगा, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, तो ये है आपका सेकंड, पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को भागों को एक दूसरे से जोड़ता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन 3 सही, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं, इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान एंड अर्थशास्त्र। यहाँ और देखते हैं 76 वा क्वेश्चन, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है, तो दोस्तों इसका अभी जो है क्वेश्चन इसका आंसर हमारे पास नहीं है, यदि आपके पास इसका आंसर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में जो है आपका सही होगा थर्ड, यानी कि ए सत्य है और बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे, तो 78 में आपका सेकंड सही होगा, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 में जो होगा आपका ए सही होगा, भूगोल। क्वेश्चन नंबर 80, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है, तो यहाँ पर आपका डी सही होगा, प्राथमिक और तृतीयक्ष दोनों। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों को सिखाते हैं, इसमें आपका ए सही होगा, समावेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 में पूछा गया है, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, यह वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सही आंसर आपका होगा ए, जे एच बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए, तो इसमें आपका होगा काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में आपका होगा ए, बुद्धिमान सोच। 85 में आपका आंसर होगा ए, पौधे और खनिज। 86 को देखते हैं, 86 में आपका आंसर होगा 4, पत्थरों को। 87 में क्योंकि यदि बात करें मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, महापाषाण काल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है, यह खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा थर्ड, पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा संस्कृत। प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, तो ऑप्शन तीन सही होगा सहयोगी। नेक्स्ट देखते हैं, बानवे चौटान जैसा भारी स्वर आश्य है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा मोटी आवाज़। नेक्स्ट देखते हैं, 93 गायक जब अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने अंतरे के गाते हुए, वह ऑप्शन सी सही होगा भटक जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पढ़ना क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब की बार है 94 अनध शब्द में, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा अन उपसर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, राग जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है बुझता हुआ स्वर। नेक्स्ट देखते हैं, संगतकार का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन दो सही है गायक को बिखरने से बचाने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ढंडास बांधना का अर्थ है, तो इसमें आपका तसल्ली देना सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि एक लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण और रोचक समग्र सुनने पढ़ने को मिलें। नेक्स्ट देखते हैं 99 भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा बातचीत का। नेक्स्ट देखते हैं 100वां क्वेश्चन, लड़के होकर रोते हो यह कथन, इसमें ऑप्शन ए सही है भाषा के जेंडर दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 में आपका 101 में जो है आपका ऑप्शन तीन सही होगा कहानी में संवाद होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ऑप्शन ए सही होगा विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 में आंसर आपका होगा एक, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं, 104 में आंसर होगा एक, केंद्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105 में जो है आपका काफ़ी लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, आप मानते हैं कि अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, इसमें आपका फोर सही होगा व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखेंगे तो 107 में आपका बी सही होगा विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझना। क्वेश्चन नंबर 108 में आपका चार सही होगा व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109 को देखना होगा आपको स्क्रीन के बाईं ओर, यहाँ पर जो है फोर ऑप्शन सही होगा पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। क्वेश्चन नंबर 110 को देखेंगे तो 110 में आपका सी सही होगा पाठ को समझने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन ए सही होगा अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 112, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप इसमें आपका डी सही होगा उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में देखते हैं लोगों किन विचारों को प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए, तो इसका आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114 में आपका होगा फोर सही देश की जनता ने। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर आपका होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 116 में आपका होगा ऑप्शन चार सही और क्वेश्चन नंबर 117 में आपका होगा ऑप्शन चार सही। क्वेश्चन नंबर 118 को देखेंगे तो 18 में आपका होगा ऑप्शन तीन सही संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 119 में आपका आंसर एक सही होगा खुलेआम बुराइयां हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 120 में आपका आंसर होगा चार यानी हवा का कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, इसमें आपका फोर सही होगा शिक्षा देना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 शिक्षक का काम है ऑप्शन तीन सही होगा विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 123 स्व का प्रकट में होता है, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा 20। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 अनुच्छेद में खाद पानी देने ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन में आपका आंसर होगा चार नियंत्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 125 स्व, इसका आंसर होगा आपका दो अदृश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 126 वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे
वाक्य में प्रविशेष है तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका चार बड़ी। क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, इसका आपका थर्ड सही होगा इत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, उस प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन दो सही। क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं तो 129 में आपका एक सही होगा, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा को प्रभावी प्रयोग हो सके। क्वेश्चन नंबर 130 में आंसर होगा आपका चार, संबद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 131 में आपका तीन सही होगा, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 132 में आपका दो सही होगा, यह सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 में आपका तीन सही होगा, बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 134 को देखेंगे, आकलन का प्रयोग के लिए होना चाहिए, इसमें आपका चार सही होगा, कितना सीखा को आकलन को आंकने। क्वेश्चन नंबर 135 में आपका जो है फोर सही होगा, उस पर अपनी बुद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। क्वेश्चन नंबर 136 को देखें, 136 में आपका आंसर होगा चार, आपदा प्रबंधन में स्लोगन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर सही होगा आपका ऑप्शन दो, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 138 को देखते हैं, भाषा और लिपि के बीच, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, कोई संबंध होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, पोर्टफोलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 140, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, इसमें आपका ए सही होगा, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है। 141 में आपका ऑप्शन चार सही होगा, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में आपका आंसर होगा दो, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, युवा कवियों की नई पोत से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, वे युवा कवि होने जिन्होंने लेखन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 144, पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 145 में आपका ऑप्शन ए सही होगा, कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 146 में आपका दो सही होगा, किसानों और मजदूरों का। क्वेश्चन नंबर 147 को देखें तो 47 में आपका चार सही होगा, कुर्ता लुंगी। क्वेश्चन नंबर 148, कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है, जमीनी स्तर पर ऊंचा न उठना, इस पर पश्चिम का प्रभाव है वाक्य है, इसमें आपका ऑप्शन चार सही होगा, विधानवाचक। क्वेश्चन नंबर 150, ग्रामीण सामाजिक युवा शब्द आदि शब्द हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका तीन सही होगा, संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी जो है आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट देने का प्रयास किया है, परंतु अब भी जो क्वेश्चन एक दो गलत हो सकता है और एक दो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आयोग ने गलत तरीके से पूछा है, तो उसका आंसर देना संभव नहीं है। दोस्तों उनकी वीडियो भी हम बाद में आपके लिए लाएंगे जो क्वेश्चन बिल्कुल आयोग द्वारा ही गलत पूछा गया है। तो दोस्तों अभी वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब यदि आप हमारी आगे वीडियो के क्रम से भी जुड़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।